Hello guys, this is Engineer Vakas Ahmed and I welcome you all guys in this video. The topic of today video is delay analysis and construction claims. Isse pehle ki hum aaj ke topic ko detail ke andar discuss karein, I will request you all guys to subscribe this channel and click on that bell icon taki future ke andar main koi bhi video banau professional skills ke bare mein, career development ke bare mein ya job seeking ke bare mein, so aapko bar waqt uska notification mil sake. What is delay analysis and construction claims? इससे पहले कि हम delay analysis और construction claims को समझें, I will share one story so that it will be very easy for you guys to understand what is delay analysis and construction claims. जैसा कि आप लोगों को पता है कि project management के अंदर जब भी किसी project को आप execution phase से पहले जब भी उसको practically execute करते हो, उससे पहले आप उसकी planning करते हो और वो planning आपके contract documents के मुताबिक होती है. Contract documents में आपके project की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, आपके प्रोजेक्ट ने कब स्टार्ट होना है, कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं, कितनी कॉस्ट के ऊपर आपने अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है और फिर आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट क्या है. लेट्स से आपका प्रोजेक्ट 2 साल का है और 24 मंथ्स के ऊपर आपने अपने प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग की है. इसके बाद एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है, आप डिफरेंट तरह के जो टास्क है उनको कैरी आउट करते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स यू कम टू नो रियलाइज दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट इन 2 ईयर्स. आपके प्रोजेक्ट के कोर्स लाइन के ऊपर कुछ फोर्स मेजोर हो जाते हैं, कुछ रिस्क आ जाते हैं, कहीं से डिलेज आ जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो आपने पहले जिसकी कॉस्ट एस्टिमेशन की थी 2 साल के ऊपर, तो डिले एनालिसिस के अंदर आप उन डिले फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हो और उनको एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के बाद आप कंस्ट्रक्शन क्लेम्स के अंदर जाते हो कि जैसे कि पहले आपका प्रोजेक्ट 2 साल की टाइमलाइन के ऊपर था, उसकी जो भी कॉस्ट एस्टीमेशन थी वो 2 साल के पीरियड के ऊपर आपकी लेबर मैन आवर्स कंसिडर की गई थी, आपके मशीनरी रिसोर्सिस को भी 2 साल के मैन आवर्स के ऊपर कंसिडर किया गया था. अब चूंकि आपका प्रोजेक्ट एक एक्सटेंडेड पीरियड के ऊपर जा रहा है, लेट से आपका प्रोजेक्ट अगले जो रिमेनिंग वर्क है वो अगले 3 महीने के अंदर कंप्लीट होगा, 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होगा, तो उस टाइम लाइन के ऊपर आप किस तरह से आपकी कॉस्ट का इम्पैक्ट होगा और जो डिलेज आपके कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर आ चुके हैं उन डिलेज को मद्देनजर रखते हुए, कंट्रैक्चुअल क्लाजेस को मद्देनजर रखते हुए, प्रॉपर मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आप क्लेम्स का केस तैयार करते हो. आप 2 तरह के क्लेम्स करते हो, एक आपके क्लेम्स होते हैं टाइम की मद में और दूसरे क्लेम्स होते हैं आपकी मनी की मद में, यानी कि आप कितने पैसे क्लेम करने जा रहे हो, आपकी आइडल मशीनरी जो है वो कितनी देर स्टैंड बाई पे रही और आप कितने चार्जेस आप बियर कर. इट्स ऑल अबाउट टू आइडेंटिफाई योर डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स जो भी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर अकर हुए, उनको आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसके मुताबिक जो भी आपकी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर में से क्लाइंट या कंट्रैक्टर उस डिले का रिस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई करते हो, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर क्लेम केस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी. अब इन एक्सपर्टीज को कौन लोग अचीव कर सकते हैं, कौन लोग इन एक्सपर्टीज के अंदर बड़े बेहतर तरीके से अपने कैरियर को अपलिफ्ट कर सकते हैं, सो सबसे पहली जो एक नॉलेज रिक्वायरमेंट के हवाले से मैं यहां पे बताता चलूं कि अगर आप लोग प्लानिंग फील्ड के अंदर हैं, अगर आपका जो कैरियर बैकग्राउंड है वो प्लानिंग के अंदर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स. और साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. और इन सारी चीजों के साथ साथ जो कि मैं पहले भी जिस चीज का तज़किरा कर चुका हूं कि आपने चौंके अपने एक बेस लाइन को कंपैरिजन के अंदर लेके आना होता है और डिफरेंट बार चार्ट की मदद से एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है जिसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट के जो एक प्राइमरी शेड्यूल था उसको कंपेयर करना होता है अपने एग्जीक्यूशन शेड्यूल के साथ और डिफरेंट तरह के बार्स की मदद से आपने अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के ऊपर एक इम्पैक्ट को शो करना होता है. इसमें बहुत सारे एडवांस लेवल के फीचर्स आपको यूज करने पड़ते हैं, बहुत सारे अच्छे से सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि प्राइमेवेरा P6 इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड पॉपुलर सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन. अगर आप इस स्किल के अंदर अपनी एक्सपर्टीज को और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं या आप इस तरह की एक्सपर्टीज को बिल्कुल जीरो लेवल से डेवलप करना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री डेमो लेक्चर का हिस्सा बन सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू द बेसिक्स एंड देन यू कैन गो अलोंग विद मी विद फुल प्रीमियम वर्कशॉप विच विल मेक यू एक्सपर्ट इन डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स. दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो. इंशाल्लाह सी यू इन फ्री डेमो लेक्चर ऑफ डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स. थैंक यू वेरी मच.